हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता रावल व्लॉग्स। सो आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि मैं जो भी होता है वो रिसेंटली पोस्ट कर देती हूँ वहाँ पे, क्योंकि वीडियो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एडिटिंग एंड ऑल दिस स्टफ, बट वहाँ मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ। तो जाके फॉलो कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो चेक आउट दैट। सो जैसे ही हमें एडमिशन मिल जाता है, सब कुछ प्लान हो जाता है, वीज़ा आ जाता है एंड एवरीथिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है स्केड्यूल, यानी कि आपका टाइम टेबल। सो मेनी क्वेश्चंस आई रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स, लाइक क्या हम जो स्केड्यूल है वो स्वैप कर सकते हैं, क्या हम मॉर्निंग की क्लास चूज कर सकते हैं, कौन सा टाइम बेस्ट है एंड एवरीथिंग। सो यहाँ मैं वन बाय वन स्टेप जा रही हूँ कि क्या क्या ध्यान रखना है स्केड्यूल करने से पहले, एंड आपको लास्ट में ये भी दिखाऊंगी कि कैसे वेबसाइट पे जाके आपको ये सब कुछ फॉलो करना है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि चेक करो कि बेसिकली आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट या जो भी सेमेस्टर है ऑनवर्ड्स, सो फर्स्ट सेमेस्टर है वो असाइन स्केड्यूल है या कस्टम स्केड्यूल है। सो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, जैसे कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था असाइन स्केड्यूल, सो उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो हमें कॉलेज से प्रोवाइड होता है हमें वही फॉलो करना होता है, देर इज़ नो स्वैप और नथिंग इन द क्लासेस। सो दैट्स द असाइन स्केड्यूल एंड द कस्टम स्केड्यूल। कस्टम में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से प्रोफेसर चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपके अपने हिसाब से होता है। सो एंड वन मोर थिंग, असाइन स्केड्यूल में जैसे कि कॉलेज प्रोवाइड करती है उसके पास बंच ऑफ टाइम टेबल होते हैं, राइट। आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा PO4, PO1, PO2। सो PO1 यानी कि उन्होंने ऑलरेडी एक टाइम टेबल क्रिएट कर रखा है, PO2 तो ऐसे जाके उन्हें अलग अलग टाइम टेबल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये PO4 वाला जो बंच है मुझे ये नहीं पसंद है, पर मुझे किसी और का PO1 वाला पसंद है, तो आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से बात करके ये चेंज करवा सकते हो, पर आप इंडिविजुअल क्लासेस चेंज नहीं कर सकते। यू गॉट माई पॉइंट? सो जैसे कस्टम में कर सकते हैं, असाइन में ऐसा नहीं कर सकते, पर असाइन में पूरा बंच आप कर सकते हो चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम मॉर्निंग के क्लासेस प्रिफर करें या इवनिंग के। सो ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपकी जॉब कैसी है, लाइक अगर आपको जॉब मिल गई तो ठीक, वरना तो जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। अगर आपकी जॉब है कि मोस्टली आपको नाइट शिफ्ट होती है तो प्रीफर उस हिसाब से करो, आपको अगर आपको मॉर्निंग में क्लासेस पसंद है या फिर मॉर्निंग में जॉब है तो इस हिसाब से चेंज करो। पर ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन से क्लासेस प्रीफर करे या ऐसा कुछ, मेनली जाता है प्रोफेसर पे। सो नंबर 3, कैसे पता चले कि ये प्रोफेसर अच्छा है या नहीं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मैं जैसे मेरा टाइम टेबल चूज करना होता है तो मैं प्रीफर करती हूँ कि एक बार सीनियर से बात की जाए, उसके बाद जाके रेट माई प्रोफेसर जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं चेक करती हूँ कि ये जो प्रोफेसर है उनके रेटिंग कितने हैं। कई बार शेडन कॉलेज के नहीं होते, कई और कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, तो ये भी चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ वो पढ़ाते थे और कैसे रिव्यूज है वगैरह। एंड ट्राई करना कि सीनियर से बात कर लो, क्योंकि ये बेटर है कि आप किसी से बात करके रिव्यू लो रादर देन ऑनलाइन। सो या दैट्स माई ओपिनियन। सो नंबर 4, अबाउट इलेक्टिव। सो इलेक्टिव है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मिलता है वो पढ़ने में तो कोई दिक्कत है नहीं, पर अगर आपको ऊपर से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। पर मैं एक दो इलेक्टिव है जो मैंने किए हैं या फिर किसी के अच्छे रेफरेंस से आए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि ये इलेक्टिव है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो अबाउट इलेक्टिव, इलेक्टिव इज़ कॉमन फॉर एवरी सिंगल प्रोग्राम। सो अगर मेरा आर्किटेक्चर है, किसी का बिजनेस है, किसी का इंटीरियर है, सभी के इलेक्टिव सेम होते हैं, आपको जो भी पढ़ना है उसमें से पढ़ सकते हो। ये भी लिस्ट होती है 100 से आप अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो आप उसमें से भी चूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि इलेक्टिव ऐसा चूज़ करो कि जो ईजी हो और ऐसे ही आप लाइक क्लियर कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बंच ऑफ सब्जेक्ट्स हैं कि हमें वो फॉलो करने हैं, लाइक 5 to 6। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द ओरिजिनल वेबसाइट और वहाँ पे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं एंड ऑल दिस स्टफ। सो जैसे ही आप माई स्टूडेंट सेंटर पे लॉग इन करोगे, आपको ये होम पेज यहाँ पे दिखाई देगा। देन यू नीड टू गो टू एनरोलमेंट शॉपिंग कार्ड। सो जैसे ही वहाँ पे जाओगे, आपको ये स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है।
ओके, मैंने ऑलरेडी मेरा ये टाइम टेबल प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं आपको बस सेम यही दिखाने वाली हूँ कि कैसे ये करना है। तो यहाँ पे जाओ, माई रिक्वायरमेंट सर्च, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। ओके, जैसे ही वहां पे ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सो आप जिस भी सेमेस्टर में हो आपको वहां पे जाना है। अगर फर्स्ट में हो तो फर्स्ट कोर, इलेक्टिव है तो इलेक्टिव। मैं अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ तो मुझे ये, जैसे कि मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है आर्किटेक्चर स्टूडियो 4, सो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस। अगर मुझे ये क्लासेस, प्रोफेसर, यहाँ पे सब कुछ है जैसे मैंने दिखाया था कि इन क्लास है, कौन से प्रोफेसर, टाइमिंग, डे एंड ऑल दिस स्टफ, तो मैं ये फर्स्ट सिलेक्ट कर रही हूँ अपने लिए। Then you need to select next. जैसे ही next करोगे आपका ये enrollment shopping card है वहाँ पे आ जाएगा। Then you have to select this subject. I want to enroll for this semester. Enroll. Finish enrolling. Okay. ये हो गया, यहाँ पे status screen आ गया। ओके, अगर मैं अब यहाँ पे देखूंगी तो या आर्किटेक्चर स्टूडियो 4 फ्राइडे एंड वेनसडे दिस इज क्लास। सो ऐसे होती है एनरोलमेंट। शॉपिंग कार्ट में जाओ एंड देन क्लिक ऑन सब्जेक्ट एंड देन एनरोल द सब्जेक्ट। अगर नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको स्वैप करनी है क्लास, तो गो टू एनरोलमेंट, स्वैप। देन अगर आपको, जैसे कि स्टूडियो 4 में मुझे स्वैप करना है किसी और क्लास के साथ, तो अब यहाँ पे स्टूडियो 4, और ऑलरेडी मेरी शॉपिंग कार्ट में कोई अभी सब्जेक्ट है नहीं, मैंने ऑलरेडी सब कुछ एनरोल कर लिया है। आप स्वैप किससे कर सकते हो, आपके पास एनरोलमेंट शॉपिंग कार्ट में कुछ होना चाहिए स्वैप करने के लिए कि मुझे ये क्लास नहीं, मुझे ये क्लास चाहिए। देन यू हैव टू बी क्लिक हीयर, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपके शॉपिंग कार्ट में ये क्लास है, देन यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट। सो ऐसे ही स्वैप हो जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, आपको अगर क्लास ड्रॉप करना है तो यहाँ पे जाइए अदर एकेडेमिक, एनरोलमेंट ड्रॉप, गो देयर, यहाँ पे आ जाएगा आपके कौन से क्लास, यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लास ड्रॉप करना है अगर आपको वो क्लासेस नहीं चाहिए तो, और कोई दूसरे चाहिए तो। सो या दैट्स ऑल फॉर द स्केड्यूल थिंग। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आस्क मी क्वेश्चन ओवर देयर एज वेल। सो या थैंक यू सो मच, बाय बाय।